व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरुमान। आज का टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। सेकंड वीडियो अभी दो दिन पहले एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, आपने देखी है वीडियो। उस वीडियो के अंदर मैंने ये जो टेस्टोस्टेरोन शॉट्स इंजेक्शन एक्सटर्नल हार्मोन के बारे में डिटेल में बताया। अगर आपने नहीं देखी देख लेना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट मार्केट के अंदर जो बूस्टर, नेचुरल बूस्टर मिलते हैं, उसका टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन शॉट से क्या डिफरेंस है? शायद कुछ लोग समझते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट है इट्स काइंड ऑफ स्टेरॉयड। बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है क्या? मैंने ऑलरेडी बताया, इट्स अ मेल हार्मोन, नंबर वन मेल हार्मोन, जो हमारी मसल बिल्डिंग, मास बिल्डिंग, सेक्स ड्राइव, इवन फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बगैर हम, मतलब वी आर नॉट मैन एक्चुअली, यू नो आई एम सेइंग। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, खासकर फिटनेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। देयर इज नथिंग बिगर देन दिस हार्मोन। तो ये वीडियो हार्मोन के ऊपर नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। मैंने बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो या तो वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखें, या इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने बताया है नेचुरल बॉडी वर्सेस स्टेरॉयड बॉडी, ठीक है। टॉपिक देख लो, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, दो अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब अगर जमीन आसमान में डिफरेंस देखें तो वैसा ही डिफरेंस है इन दो चीजों के ऊपर। तो मैं तीन कॉलम बनाता हूं और फिर बात करता हूं, ठीक है। सो जो टेस्टोस्टेरोन हमारा हार्मोन है वो फूड के थ्रू बढ़ता है, प्रोडक्शन होती है। दूसरा थ्रू सप्लीमेंट, तीसरा थ्रू एक्सटर्नल, मतलब इंजेक्शन और शॉट के थ्रू। हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है हफ्ते के अंदर लगभग 49 मिलीग्राम नेचुरली। ह्यूमन बॉडी, मेल की बात कर रहा हूं, नॉट फीमेल। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन है, दे स्टिल दे हैव टेस्टोस्टेरोन, लेकिन बहुत थोड़ा। सो हमारी बॉडी 49 मिलीग्राम जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, मैंने बताया लास्ट वीडियो में, पर लिख देता हूं 49 mg/week नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जो हम खुराक खाते हैं, जो हम दिन का हमारा स्केड्यूल है, हम जो भी हमारी जनरल लाइफ है, खाते हैं, पीते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भाग दौड़ है, कुछ एक्टिविटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक नेचुरल बंदे की बॉडी 49 प्रोड्यूस करती है, और वो आपके रोज के फूड के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ एक्सटर्नल सप्लीमेंट के थ्रू, सप्लीमेंट्स और काइंड ऑफ फूड, या सम पीपल हु आर टेकिंग इंजेक्शन हार्मोन, मे बी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स, मे बी इलीगल अंडर द टेबल। शायद किसी ट्रेनर ने बताया, शायद ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, शायद किसी मेडिकल स्टोर से उठा लिया, आई हैव नो आइडिया। काफी हिडन लोग है इसके अंदर, ठीक है। इस चीज से पहले मैं बात करने वाला हूं, हमारी क्या हमें इन चीज की जरूरत है? अगर हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है टेस्टोस्टेरोन, तो फिर तो ये दो चीजों की तो जरूरत ही नहीं हमें, बिकॉज आवर बॉडी इज नेचुरली प्रोड्यूसिंग 49 मिलीग्राम अ वीक। एक इससे एक स्टेप पीछे आता हूं, आपको सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लो है या नहीं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, अच्छा है, तो ये चीजें वेस्ट ऑफ टाइम क्रॉस करेंगे इसके ऊपर। अब आपको कैसे पता चलेगा? एक तो होता है कि सेल्फ आपको मालूम है खुद टेस्ट करने से, सेल्फ टेस्ट होता है, लाइक एनालाइज करते हैं कि आपकी सेक्स ड्राइव लो है, आप यंग है, योर सेक्स ड्राइव इज लो, आप मसल बिल्ड नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ में इशू है, यू नो, एंड यू फील टायर्ड। सो बेसिकली ये थोड़े सिम्टम्स है। अब ये सिम्टम किसी और कई प्रॉब्लम में भी होते हैं, इसीलिए यहां पर क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता है खुद एनालाइज करना। तो व्हाट यू डू इज यू गो टू डॉक्टर, यू गो टू लैब, यू गो टू मेडिकल प्रोफेशनल एंड डू योर टेस्टोस्टेरोन चेकअप। आप अपना ब्लड के थ्रू ब्लड ड्रॉ करते हैं, ब्लड के थ्रू आपका टेस्टोस्टेरोन चेकअप होता है। आपकी क्या नॉर्मल रेंज क्या है टेस्टोस्टेरोन की, इफ यू डोंट नो ऑल राइट नाउ। सो हमारी जो नॉर्मल रेंज है टेस्टोस्टेरोन की, वो 300 नैनोग्राम या डेसीलीटर से लेकर 1000 नैनोग्राम डेसीलीटर तक होती है।
मतलब जब आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आती है, उसमें ये नहीं आता 49 मिलीग्राम वीक, ये प्रोडक्शन नहीं आती, उसमें ये आता है आपका जब रिपोर्ट आएगी, आर यू इन बिटवीन 300 to 1000 ng। अगर आप इससे नीचे हैं, बिलो, तो आप लो टेस्ट है आपका, टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से कम है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट, तब हम ये इंफॉर्मेशन जो देने वाला हूँ अब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप 300 से ऊपर हैं, ये सारा जो है इस क्रॉस कर दो, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गुड, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन पीक जब होता है आपका, ऑलमोस्ट टेस्टोस्टेरोन आप पकड़ लो कि आप 16-17 से आपका बढ़ना शुरू होता है और 30-32 तक आप पीक पर रहते हैं। जब आप 32-33 हिट करते हैं ना, अब वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होना शुरू होता है कुछ परसेंट ईयरली बेसिस। अब आई एम अ 40-year-old गाय एंड आई नो, क्योंकि मेरा हर साल टेस्टोस्टेरोन चेकअप होता है, आई वांट टू मेक श्योर कि आई एम इन बिटवीन दिस टू मेक श्योर। अगर यहाँ से ड्रॉप होता हूँ, आई हैव टू वर्क रियली ऑन माई फूड एंड सप्लीमेंटेशन, मेरे पास समझे आप। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये तो आपको पता चला, सबसे पहले आप ये चेक करें, अगर लो है तब ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, नहीं है तो जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर मनी। बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन फूड कौन से हैं, लेट मी राइट डाउन। सो इसका मतलब ये जो फूड मैं लिखूंगा, काफी फूड है, मैं मोटे मोटे फूड का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फैटी फिश, जिंजर, ग्रीन वेजीज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, एग योक, रेड मीट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका मतलब है कि आप जब इन फूड का इस्तेमाल करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर, रोटेट करते रहते हैं तरह तरह के फूड्स, वो आपके इस टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरली प्रोडक्शन है उसको वो साइकिल करता रहता है, ये ह्यूमन नेचर है, मेरे पास समझे आप। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली थ्रू फूड। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल फिटनेस के अंदर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट, फूड्स पर डिपेंड होते हैं, मतलब बहुत ही मार्केट नहीं मिलती, बहुत लोग है वेजिटेरियन है, काफ़ी लोगों के पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका मतलब है कि नाउ दे नीड, उनका क्या हुआ है, वो सारा कुछ ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, उनका टेस्ट ड्रॉप है, दे नीड टू एड सम सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट है क्या, सप्लीमेंट तो फूड ही है, फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वही सप्लीमेंट के अंदर होते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं खा पा रहे, कुछ नहीं ले पा रहे, कुछ आपको मार्केट से नहीं मिल पा रहा है, कुछ आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, 100 तरह की चीज़ें हैं, तो आप सप्लीमेंट, एक जो पिल है, पाउडर है, कैप्सूल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट इसी के फॉर्म में आता है, पिल्स, पाउडर, कैप्सूल एक्सेट्रा, तो आप उसको डाइट के अंदर ऐड करते हैं एंड यू गेटिंग दोज इंग्रेडिएंट्स। कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से सप्लीमेंट्स हैं, मैं क्विकली इनका नाम लिखता हूं। तो ये सप्लीमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स है जो मार्केट के अंदर एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के रूप में मिलते हैं, जैसे फेनुग्रीक, एश्वगंधा, ट्रिबुलस, जिंक, मैग्नीशियम, एस्पार्टिक एसिड, विटामिन डी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर इसको हम कर लें, दिस इज लाइक ZMA, सप्लीमेंट मिलता है ना ZMA एटसेट्रा, जैसे एग्जांपल। तो इसका मतलब है ये सप्लीमेंट्स जो है ये आपके रिप्लेसमेंट नहीं करता, कीप इन माइंड यू कैन नॉट एंड यू विल नेवर रिप्लेस फूड विद सप्लीमेंट, बट यू कैन ऐड सप्लीमेंट विद फूड। ये डाइट में मिस है या इसको आप ले पा रहे हैं तब भी आपका टेस्ट लो है, नाउ व्हाट यू डू, यू ऐड सप्लीमेंट्स जो शायद 1 to 10% काम करेंगे। सप्लीमेंट्स ना गना वर्क 100%, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स वेस्ट ऑफ मनी है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर दो, अगर आप लो टेस्टोस्टेरोन की रेंज में है, यू आर गेटिंग ओल्ड, नाउ दिस इज गोना हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल यू पुट मी, मेरी एग्जाम्पल ले लो, आई एम 40 के एज के अंदर आई नीड दीज सम ऑफ द इंग्रीडियंट्स टू मेक श्योर इफ आई एड विद माई डाइट टू कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मेरी बात समझे आप। तो अगर आप 25 के हैं, 22 के हैं, तो डोंट वेस्ट योर मनी, मैं तो पहले बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी भी बनाती है, बट डोंट वेस्ट योर मनी, मेरी बात समझे आप। तो इसका मतलब है फेनोग्रीक क्या है, मेथी,
खाते हैं ना मेथी आलू यार, वो खा लो आप, ठीक है। एश्वगंधा एक ऐसा हर्बल प्रोडक्ट है, ये ट्रिबलस एश्वा, जो इंडिया की मार्केट में मिलता है, लोग यूज भी करते हो, पता भी नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट यू स्पेंड मनी, सस्ता है। जिंक आपकी डाइट के अंदर है, आपको आपके मल्टीविटामिन के अंदर होगा, आपके फूड के अंदर है, मैग्नीशियम आपके फूड के अंदर है, विटामिन डी आपके फूड के अंदर है, ये फूड के अंदर ही है। लेकिन क्या होता है, कभी हम फूड नहीं खा पाते तो इसको क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं। सो इफ आई टेल यू प्लस टेस्टोस्टेरोन फूड मींस फूड प्लस टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपने ऐड करना है, ओनली इफ योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर लो रिपोर्ट के बाद, तब आप ऐड करना, वैसे डोंट वेस्ट योर मनी। और ये तो मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, इंजेक्टेबल इंजेक्शन क्या होता है, ये तो ड्रग है। सो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स आर नॉट ड्रग्स, आर नॉट स्टेरॉयड, एंड इसका और इसका जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन वी डोंट सजेस्ट, ये आपको मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर सजेस्ट करता है एट सर्टन एज, जब आपकी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी होती है, आपकी बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, मतलब आप 50 मिलीग्राम आपकी बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही नेचुरल, और आप 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, एंड यू नीड योर सेक्स ड्राइव बैक, यू नीड योर मैन पावर सम हाउ बैक, यू गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर टेस्ट करता है, टेस्ट करके देखता है कि आपकी रेंज बहुत नीचे है बिकॉज ऑफ यू गेटिंग एज, क्योंकि जितना आपकी एज बढ़ती जाती है आप स्ट्रांग नहीं होते, आप धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू होती है। रियलिटी है लाइफ की, लाइफ का साइकिल है, यू नो यंग एंड ओल्ड का जो साइकिल है, यू कांट रन अवे, लेकिन साइंस की हेल्प से आप कुछ चीजें कुछ देर तक आप सर्वाइव करते हो। अब वो डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है ओहो आपका तो आपकी प्रोडक्शन तो बहुत नीचे है, यू माइट बी प्रोड्यूसिंग मे बी 50%, 60%, 70% लेस देन अ नॉर्मल पर्सन, सो हाउ यू गोना एंजॉय योर सेक्स लाइफ, हाउ यू गोना एंजॉय योर जिम, आप टाइड रहेंगे, फटीग, मूड एटसेट्रा, सो मच स्टफ गोइंग ऑन। नाउ मेडिकल प्रोफेशनल वहां पर आपको हो सकता है 25 mg से 50 mg आपको पर वीक सुजेस्ट करे, ना कि बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग तो 300, 400, 500, 700, 1000 पर वीक लेते हैं मिलीग्राम, इनसेन, इसलिए वो इलीगल चला गया बहुत ज्यादा। लेकिन जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, वो आपको बहुत ही कम बेल्ट में रखते हैं, बिकॉज सो दैट वे यू कैन गेट समहाउ द नॉर्मल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मेरे पास समझा। तो ये जो डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 300 से 1000 की रेंज में है, लेकिन अगर आपकी रेंज कम है, सो यू डेफिनेटली नीड टू ऐड टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली, यू कैन ऐड सप्लीमेंटेशंस, दीज सप्लीमेंट्स एंड सम और मोर सप्लीमेंट्स, फोकस ऑन फूड, इनकॉर्पोरेट दिस, ट्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टे अवे फ्रॉम दिस। दिस इज गुरुमान, टेक केयर, बाय।